अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों के आपके पास भी सैमसंग के डिवाइस में ये मसला आ रहा है दोस्तों कि बार बार आपका जो मोबाइल का स्टोरेज है वो फुल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो सैमसंग के ओल्ड डिवाइस होते हैं उनका जो 8 GB होता है या यानी 4 GB होता है या जो 8 GB जो स्टोरेज होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा ही फुल हो जाता है दोस्तों। उसको जो आप उसको किस तरह से एमपीटी कर सकते हैं यानी फ्री अप स्पेस कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में आपको कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा दोस्तों। चलते हैं अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर और वहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, एक सेटिंग ऑन करके दिखाऊंगा जिससे बहुत सारे जो इजाफी फोल्डर आप डिलीट कर सकेंगे और आपके मोबाइल में स्पेस भी आ जाएगा दोस्तों। आपने करना है यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से ये ऑप्शन आपका हाइड फाइल का जो है ये ऑफ होगा, तो आपने इसको ऑन कर देना है दोस्तों। ऑन करने के बाद आपने करना है क्या दोस्तों, बैक चले जाना है दोस्तों। बैक जाने के बाद दोस्तों आपने अपने माय डिवाइस पर क्लिक करना है दोस्तों, फोन स्टोरेज में आ जाना है दोस्तों। यहाँ पर बहुत से इजाफी फोल्डर आपके सामने शो हो जाएंगे दोस्तों, जिन्होंने बहुत सारा स्पेस जो है आपका जो फुल करा होगा दोस्तों, तो आपने उनको डिलीट कर देना है। बाकी कोई किसी भी फोल्डर को आपने छेड़खानी नहीं कर दोस्तों। अब आपने करना है इसको डिलीट करने के बाद आपने करना है कि DSM वाले फोल्डर में जहाँ पर आपके मोबाइल के फोटोज़ और स्क्रीनशॉट वगैरह होती हैं दोस्तों, यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर एक इजाफी फोल्डर आ जाएगा दोस्तों इस सेटिंग को ऑन करने के बाद। ये इजाफी फोल्डर को जैसे क्लिक कर दो, यहाँ पर बहुत सारे आपके जो कैच पिक्चर होंगी दोस्तों या वीडियोज़ के फोटोज़ होंगे दोस्तों, ये इजाफी फोल्डर बन जाते हैं जिससे वजह से हमारा स्टोरेज फुल हो जाता है। तो आपने इनको क्या करना है, डिलीट कर देना है। मेरे पास जो है यहाँ पर जैसे कि 89 पिक्चर हैं, तो मैं इनको क्या कहते हैं डिलीट कर दो, इससे भी कुछ जो स्पेस है वो खाली हो जाएगा दोस्तों, यानी फ्री स्पेस हमें मिल जाएगा अपनी स्टोरेज को। ठीक है, आपने करना क्या दोस्तों, बैक जाना है दोस्तों। बैक जाने के बाद दोस्तों आपने फिर से इस सेटिंग को क्या करना है, ऑफ कर देना है दोस्तों। ऑफ करने के बाद दोस्तों अब मैं आपको एक और सेटिंग बताऊँगा, वो आपने लाजमी करना है जिससे आपके मोबाइल के जो बहुत सारी गेम या एप्लीकेशन जो ऐप वगैरह इंस्टॉल होती हैं आपके मोबाइल में, उन्होंने बहुत सारी जगह जो घेरी होती है और वायरस कैच डेटा उनमें जो ऐड होता है दोस्तों, उनको आप किस तरह से डिलीट कर सकते हो, किस तरह से अपने मोबाइल में स्टोरेज फ्री अप कर सकते हैं। अपने एप्लीकेशन पे क्लिक करना है सेटिंग में आकर, और जैसे कि एप्लीकेशन पे क्लिक करना, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी एप्लीकेशन ऐप्स वगैरह या गेम वगैरह आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो गए दोस्तों, लेकिन जो बड़ी जो एप्लीकेशन है 300-400 MB की, तो आपने उन पे क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है, जैसे बड़ी एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने स्टोरेज में आना और यहाँ पर आपने क्लियर डेटा नहीं करना, सिर्फ क्लियर कैच करना है, जो इजाफी जो क्लियर कैच जो होता है जो जिन स्पेस घेरा होता है वो आपने डिलीट करना है दोस्तों। यहाँ पर मैं जैसे कि फेसबुक है, मैं क्या करता हूँ स्टोरेज में जाता हूँ और यहाँ पर इसका जो क्लियर कैच करने के बाद मैं क्लियर डेटा कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं क्लियर कैच कर देता हूँ दोस्तों, तो इजाफी फोल्डर जो हट जाते हैं दोस्तों और हमारे मोबाइल में जो स्पेस है वो थोड़ा सा जो है यहाँ पर देख सकते हैं स्पेस भी बच जाता है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी जितनी भी एप्लीकेशन हो तो आपने उनका क्लियर स्टोरेज नहीं करना, सिर्फ क्लियर कैच करना है दोस्तों। ठीक है, तो क्लियर स्टोरेज मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि सभी जो है इजाफी फोल्डर जो हट जाए, क्योंकि सैमसंग के ओल्ड डिवाइस होते हैं दोस्तों इनका जो मेमरी होती है वो सिर्फ 8 GB होती है दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं होती दोस्तों। ठीक है, तो आपने भी इस तरह से सेटिंग अप्लाई कर लेना और आपका जो स्टोरेज है फुल नहीं होगा दोस्तों। आपने ये सेटिंग लाजमी अप्लाई करना। अगर वीडियो पसंद तो लाइक जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।